शहर ही आपल्या अर्थव्यवस्थेला गतिमान करणारे बळ असून प्रत्येक महापौराने आपल्या शहराच्या विकासाचा संकल्प घ्यावा असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे। त्यांनी आज वाराणसी इथं आयोजित अखिल भारतीय महापौर संमेलनाला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित केलं। विकासासाठी संकल्पानुसार काम होण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली। शहरांचा विकास लोकसहभागातून होण्याची आवश्यकता पंतप्रधानांनी व्यक्त केली। आपली शहर स्वच्छ आणि निरोगी राहतील यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली। आपल्या देशातील बहुतांश शहरं पारंपरिक पद्धतीने विकसित झाली असून आधुनिकीकरणाच्या काळात प्राचीनता जपायला हवी, वारसा आणि विकास दोन्ही महत्त्वाचे असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त शहरातील एखादा चौक सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून लोकसहभागातून त्या अनुरूप करता येईल याबाबत विचार करण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं। क्या आप कम से कम एक चौराहा अपने नगर में, एक सर्कल जहां से चार छह रास्ते निकलते हो, ऐसा बढ़िया सर्कल, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, सरकार का म्युनिसिपैलिटी का पैसा नहीं, जन भागीदारी से कोई ऐसा स्मारक बना सकते हैं, यूनिक स्मारक जो आजादी के अमृत महोत्सव से सुसंगत हो, आजादी के आंदोलन को या देश के कर्तव्य भाव को या उज्जवल भविष्य के भारत की कुछ चीज दिखे, ऐसा सर्कल का सुशोभन कंपटीशन करें। कलाकारों को कहे भाई आप बताइए क्या होना चाहिए, डिजाइन करके कंपटीशन हो, कंपटीशन में इनाम मिले, फिर इसमें से बनाने वाले चुने जाए, एक आपके जीवन की यादगार आप छोड़ करके जाएंगे। आपल्या शहराचं ब्रँडिंग करण्याचं, त्याची वेगळी ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची कल्पना पंतप्रधानांनी मांडली। सिंगल यूज प्लास्टिक, नदी स्वच्छता आणि विकास, शहरातल्या पुतळ्यांची एनसीसी कॅडेट्सकडून स्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थापन, उद्योगांसाठी जागा आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पूरक संकल्पना, लघु उद्योजकांचा विकास, शहर विकासात दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रत्येक घटकाचा विचार, याविषयी अनेक संकल्पना पंतप्रधानांनी मांडल्या। शहरातल्या फेरीवाल्यांसाठी असलेली पंतप्रधान स्वनिधी योजना आवर्जून राबवण्याचं आवाहन त्यांनी केलं। इसको प्राथमिकता मना सकते हैं, काशी की धरती से माँ गंगा के तट पे आप संकल्प लेकर के जाइए कि इसी 2022 में जब 26 जनवरी आएगी, 26 जनवरी को पहले हम ये कर करके जाएंगे। 26 जनवरी के पहले हमारे नगर के 200, 500, 1000, 2000 जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनका बैंक का खाता खुल जाएगा, उनको डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके जो जिन व्यापारियों से माल खरीदते हैं उनको भी डिजिटल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां वो जाकर के माल अपना बेचते हैं उनको डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। देखते ही देखते ये डिजिटल का कारोबार भी बढ़ जाएगा और मेरे रेहड़ी पटरी वालों को कम से कम ब्याज में, हो सके तो जीरो ब्याज से अपना कारोबार बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा अवसर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेशच्या शहर विकास विभागाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाला केंद्रीय शहर विकास मंत्री हरदीप सिंग पुरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि देशभरातल्या विविध शहरांचे महापौर उपस्थित होते।